वेलकम टू टेक बॉन्ड आईटी सॉल्यूशन। यहाँ पर हम ट्यूटोरियल लेकर आए हैं हाउ टू पोर्ट फॉरवर्डिंग इन जियो राउटर फाइबर कनेक्शन। तो एक्चुअल में हमें अभी रिसेंटली एक छोटा सा चैलेंज आया था कि कस्टमर के यहाँ पर हमें जो है पोर्ट फॉरवर्ड करना था, DVR को एक्सेस करना था, और इसके लिए मैंने कुछ वीडियो सर्च किए थे जहाँ पर मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला, ना ही कोई ऐसा रास्ता मिला जिससे मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकूँ। तो मुझे जब सॉल्यूशन मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप जो है सबके साथ शेयर की जाए इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ जियो फाइबर राउटर के अंदर जो मेरा सक्सेस वर्क हो चुका है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर ये कैसे हुआ, इसकी क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर कस्टमर का रिमोट ले रखा है, यहाँ पर मैं अपने राउटर को एक्सेस कर लेता हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने में अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं राउटर को एक्सेस करता हूँ। यहाँ पर ID पासवर्ड सेव है, बहुत अच्छी बात है। तो नॉर्मली आप जब तक मैं यहाँ साइड बाय साइड चेक कर लेता हूँ आप किस तरीके से पोर्ट चेक करते हैं ओपन पोर्ट्स को, तो यहाँ पर portchecker.io एक साइट है, आप और कोई भी कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। या नॉर्मली यहाँ पर ऐसा होता है, आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पब्लिक IP होता है उसको यहाँ पर शो कर देता है और यहीं से हम पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पब्लिक IP कुछ और होता है, और यहाँ पर जब हम वैन इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कुछ अलग होती है, और ये बड़ा चैलेंज होता है। फिर हम जब पोर्ट फॉरवर्ड की प्रोसेस करते हैं तो हमें इस IP के ऊपर भी नहीं ओपन होता है और इस IP के ऊपर भी ओपन नहीं होता है। तो फिलहाल अब वापस आते हैं हम बैक टू डेस्टिनेशन, कि मैं आपको पहले सक्सेस वर्क दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। फायरवॉल सेटिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सीधे पोर्ट फॉरवर्डिंग पर जा रहा हूँ। पोर्ट फॉरवर्डिंग के अंदर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा ये भी ओपन है वैसे, लेकिन 20110 और 20108 फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे IP, ना तो ये वाला IP यूज़ कर रहा हूँ मैं, ना ही मैं इसके अंदर ये वाला जो 10.0 वाला जो नेटवर्क था वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा मुझे जो IP जो मिला है वो एक डिफरेंट IP है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर जो IP जहाँ पर है मैं अभी जो डाल रहा हूँ, ना तो वो वहाँ पर आपको मिल रहा है मेरे राउटर के फर्मवेयर के अंदर, और ना ही ये आपको पब्लिक IP जब यहाँ पर आप शो माई IP करके चेक करते हैं वहाँ मिल रहा है। लेकिन आप देखिए मेरा पोर्ट वर्क कर रहा है 20108, मैं देख रहा हूँ, देखिए चेक करता हूँ मैं, ट्रू, देखिए पोर्ट ओपन है। अब अपन देख लेते हैं कि वाकई में जब मेरा IP मैच नहीं कर रहा है तो फिर हो सकता है कि मैं कोई और सिस्टम चेक करके आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको इस पोर्ट जो 20108 जो है यहाँ पर हमने इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब मैं पोर्ट को डिसेबल कर दूँगा तो यहाँ पर मुझे फॉल्स आएगा, रियल टाइम आपको बता रहा हूँ, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है इसमें। फिर मैं आपको इसका रास्ता भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्विस डिसेबल हो चुकी है पोर्ट 20108, और यहाँ पर अब मैं फ़ौरन इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मेरी फॉल्स आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको वापस इनेबल कर देता हूँ, ये मैंने इसको इनेबल कर दिया, और यहाँ से इसने थोड़ा सा टाइम लिया। अच्छा, बहुत रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है और बहुत जल्दी, कोई डिले टाइम ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस यहीं से इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई और यहीं से आप चेक कर सकते हैं, सर्विस बहुत फास्ट है। देखिए यहाँ पर मैं क्वेरिंग कर रहा है और ये देखिए ट्रू आ गया। तो ये अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो IP मैं चेक कर रहा हूँ, ना तो वो आपको जो है कि मैं देख इसको कॉपी कर लेता हूँ, ना तो आप जब इसको सर्च करते हो शो माई IP भी, तो ना तो ये 130 ये अलग है, और यहाँ पर जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये IP भी आपका जो है अलग है। बार बार फ़ोन आ रहे थे, आप नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी जो आपको बताना चाह रहा था, कि यहाँ पर जो IP है ये भी वो नहीं है, यहाँ जो है वो भी नहीं है, लेकिन मैं कोई तीसरा IP पे आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में एक कहानी इसकी यह है कि जब हम इसके लिए कोशिश कर रहे थे तो हमने जो है कि जियो के अंदर से बात की, और ये पॉसिबिलिटी है जियो के अंदर, जियो ये सर्विस पोर्ट फॉरवर्डिंग की सर्विस देता है, लेकिन उसकी प्रोसेस ये है कि आपको जियो को कंप्लेंट रेज करना है, और कंप्लेंट रेज करने के बाद वहाँ पर उनको फोर्सफुली रिक्वेस्ट करना है कि हमारे पोर्ट ओपन करो। जियो के पास ये जो नेटवर्क है और हमारा ये जो नेटवर्क है जो हमें जो पब्लिक IP हमें इशू होता है, इसका पूरा इनका मैकेनिज्म है, पीछे और भी गेटवेज और राउटर्स हैं,
तो बीच में कहीं जियो एक स्टेट वाइज एक पोर्ट ओपन करता है आपके लिए जो आप रिक्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी रिक्वेस्ट पे हमें 20108 पोर्ट जो अभी आपने देखे, हमने जो ओपन करके दिखाई है, रिक्वेस्ट किए, तो जब वो वहाँ से उन पोर्ट्स को अलाउ कर देता है तो उसके बाद आपको सिंपल से सेटिंग अपने आप अप्लाई करना होती है. हालांकि आप जब कंप्लेंट करेंगे तो ख़ुद इस सेटिंग को अप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको भी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में मतलब उसका पता होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको जियो में कंप्लेंट करना है, और जियो में कंप्लेंट करने के बाद वहाँ से पोर्ट को ओपन कराना है बैकएंड में जो उनका गेटवे है वहाँ से, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस टास्क को परफॉर्म करना है, यहाँ से फायरवॉल में जाना है, या अगर उन्होंने कॉन्फ़िगर कर दिया तो आप इंश्योर कर लेंगे ये सारी चीज़ें इनेबल होना चाहिए कि आपकी ये सारी जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी ऑलवेज अलाउ होना चाहिए. आईपी वर्जन 6 की बात, 4 की बात कर रहे हैं, हम सॉरी 4 की बात कर रहे हैं, हम 6 को स्किप कर रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर इस सर्विस को ऐड रूल करके, तो यहाँ से आप इसको ऐड न्यू रूल कर सकते हैं. यहाँ पर एक रूल है उसको सारी मतलब यहाँ पर जो एक्शन है ऑलवेज अलाउ रखना है, एनी 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 सिंपल आप समझ लीजिएगा. फिर उसके बाद यहाँ पर एक कस्टम सर्विस ऐड होती है, और इस सर्विस के बेस के ऊपर ही पोर्ट फॉरवर्ड होते हैं, ये आप ध्यान रखिए. तो यहाँ बहुत सारी सर्विस है, मैं सिर्फ बात करता हूँ 20108 की जो भी मैंने आपको चेक कराई है. तो यहाँ पर कस्टम सर्विस 22 करके ऐड है, यहाँ पर 20108 पोर्ट सर्विस यहाँ पर बनी हुई है, और यही पोर्ट फॉरवर्ड हुआ है. देखिए आप कट अपने यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग में आता हूँ मैं, तो यहाँ से कस्टम सर्विस 22 वहाँ पर आपने देखा था. देखिए यहाँ पे स्टेटस इनेबल है एनी पोर्ट, और यहाँ पर आईपी दिया हुआ है मेरा लोकल, और यहाँ पर पोर्ट नंबर है, और मैंने आपको इसका ट्रायल दे दिया है. तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये इन्फॉर्मेशन इनेबल आपको. अच्छा, यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रूल्स इनेबल करने की, लेकिन वहाँ से आपको कम्प्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर मैंने आपको कम्प्लीट सॉल्यूशन बताया, बीच में लूप होल कहाँ पर है, जियो कहाँ से जो है कि इस चीज़ को मतलब कहाँ पर जो है कि जियो के अंदर आपको कहाँ जियो से बात करना है और कहाँ आपको काम करना है, ये मैंने दैट्स इट बता दिया. इसी तरीके की अगर मुझे उम्मीद है अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो ज़रूर इसको जो है कि लोगों के साथ शेयर कीजिए. और इसी तरीके की हम इन्फॉर्मेशन और नई मतलब वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ लेकर आएँ. इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए. हमारा आपका आपका हमें प्यार मिलता रहेगा, तो हम वीडियोस बनाते रहेंगे. तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू.